अज भी उही मंगा जेडिया 75 साल पहले थोड़े बाप दादा दी थी। पर मैं अज ये गल अज भी कहना थोड़ी उही मंगा आने वाले 50 साल भी रहन गया क्योंकि तुसी लोग नहीं चाहते थोड़े पिंड च काम हो। मैनू दसो तुसी आपके पिंड की डिवेलपमेंट करवानी है कि नहीं करवानी थी? दसो करवानी है जी। फिर क्यों झूठिया शिकायतां कर रहे हो? क्यों तुसी ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? सारा पिंड ही है, सारा पिंड मैं तो मुंह से कहूंगा जी, सारा पिंड ब्लैकमेलर का पिंड है थोड़ा, मैं थोड़े मुंह से कहना। ये जनाब है आम आदमी यानी आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक। इनका नाम है अमनदीप सिंह गोल्डी, जो आए तो थे गांव में कैंप लगाकर विकास कार्यों के बारे में चर्चा करने, लेकिन ये जनाब तो ग्रामीणों को ही ब्लैकमेलर कहने लगे। एक बार फिर सुनिए ये जनाब ग्रामीणों पर किस तरह के लांछन लगा रहे हैं। अज भी वही मंगा जेडिया 75 साल पहले थोड़े बाप दादा दी थी। पर मैं अज ये गल अज भी कहना थोड़ी वही मंगा आने वाले 50 साल भी रहन गया क्योंकि तुसी लोग नहीं चाहते थोड़े पिंड च काम हो। मैनू दसो तुसी आपके पिंड की डिवेलपमेंट करवानी है कि नहीं करवानी थी? दसो करवानी है जी। फिर क्यों झूठिया शिकायतां कर रहे हो? क्यों तुसी ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? सारा पिंड ही है, सारा पिंड मैं तो मुंह से कहूंगा जी, सारा पिंड ब्लैकमेलर का पिंड है थोड़ा, मैं थोड़े मुंह से कहना। वहीं जब एमएलए के इस बयान पर उनसे दोबारा पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो वो गलती मानने की बजाय अपने बयान पर कायम रहने की बात करने लगे। देखो वीडियो नूं कट के बनाया गया, मेरी पूरी वीडियो जिहड़ी वो फेसबुक ते पई है। वो मैं उस पिंड दे विच, मैं जदों पिंड दे विच गया सी, मैं उत्थे गल कही सी कि मैं धर्मपुरा, वह पिंड है जिथे मैं सब तो पहला डिवेलपमेंट के काम शुरू कराए आ। धर्मपुरे पिंड दे विच 4,21,86,000 रुपए के इस टाइम डिवेलपमेंट के काम चल रहे हैं, और उतों के कुछ लोग है जेडे आर टी आई ला के रिकॉर्ड मंगाया उन्होंने कांग्रेस की पंचायत का, और कांग्रेस की पंचायत का रिकॉर्ड इलैक्शन तो पहला है, 2 साल पहला का। मैं उन्होंने एक गल कही है कि अगर कोई कपला होया तो उन्होंने कंप्लेंट करो, थाने कंप्लेंट करो, डीसी मैडम को कंप्लेंट करो, शिकायत दो। बट वो सरपंच को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, कोई इन्ने पैसे दे दो, और सारे पिंड ने मेरा समर्थन किया कि एमएलए ने सच बोलिया। मैं अपने उस बयान से कायम हूं। तो समझे आप, किसी एक की गलती की सजा पूरे ग्रामीणों को क्यों मिले? अगर कोई ब्लैकमेलर है तो पूरे गांव वाले थोड़े ही हो सकते हैं, क्योंकि मांग ही क्या हो सकती है? सड़क, साफ पानी, बिजली, अस्पताल और इससे ज्यादा क्या? लेकिन ग्रामीण ब्लैकमेलर तो नहीं हो सकते। तो जनाब आप एमएलए ऐसा क्यों बोले, इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।